मंगल ग्रह की तरफ जा रहा है और हमारी सोच जो है वो पीछे जा रही है। हम पीछे देख रहे हैं, दुनिया आगे देख रही है। हमारा देश इस तरफ धकेला जा रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं देश में चल क्या रहा है और देश में होना क्या चाहिए। पहले हम बात करते थे, अब हम चांद पे पहुंचे हैं, अब हमें मंगल ग्रह पे जाना है। हमारे बच्चे बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, इंजीनियर बने। अब उन बातों को छोड़ के देश कुछ अलग ही गुणगान गा रहा है। क्या गा रहा है? हमें धीरे धीरे गुलामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। गुलाम तो है ही हम मानसिक रूप से, क्यों गुलाम बनाया किस? उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, हमें लूटा खसोटा। भगत सिंह बोल के गए थे कि जब गोरे अंग्रेज जाएंगे तो काले अंग्रेज आएंगे और वो तुम्हें लूटेंगे, तुम्हारे साथ फरेब करेंगे, तुम्हें मानसिक तौर पे गुलाम बनाएंगे। 75 साल से आप देख रहे हो किस प्रकार से हमारे देश को लूटने का काम किया है। हमारे आस पड़ोस के देश देखो कितनी आगे जा चुके हैं, लेकिन आज हम लड़ाई कौन सी लड़ रहे हैं? लड़ाई लड़ रहे हैं 1857 की। 1857 के अंदर जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान एकजुट खड़ा हुआ। अंग्रेज ने सोचा इनके पर काबिज कैसे हूं, इनके पर राज कैसे करूं, तो उन्होंने क्या करा, भाई से भाई को लड़ाने का काम शुरू किया कि जब तक हिंदू और मुसलमान एक रहेगा इस देश से कब्जा नहीं हो सकता। ये देश गुलामी जब होगा जब इन भाइयों में फूट पड़ेगी। आज भाजपा क्या कर रही है? भाजपा भी यही कर रही है, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रही है। हिंदू और मुसलमान के बीच में बैर बड़े से बड़ा बढ़ाने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोजी रोटी की बात नहीं हो सकती है हिंदुस्तान के अंदर? जो हमारे किसान, आप सबने पूरा एक साल दिया, एक साल तक आपका मजाक उड़ाया उन्होंने, पूरी भाजपा लगी रही है बताने में कि आपको पाकिस्तान की साजिश से बैठाया है, चाइना वालों की साजिश से बैठाया है, और आखिरी में प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जी मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं। या तो हम पाकिस्तानी थे या हम चाइना के लोग थे, फिर हमसे माफी क्यों मांगी? तो भाजपा चाहते जो गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था अब 1100 का हो गया, उसकी बात ना करें। जो पेट्रोल 60 रुपए का मिलता था आज 110 का हो गया, उसकी बात ना करें। इसलिए भाई से भाई को लड़ाने की बात की जा रही है। मैं बताना चाहता हूं, इस मुल्क में है आवाजें दो, इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे, हम कहते हैं इंसानों में इंसानों का प्यार रहे, वो कहते हैं हाथों में त्रिशूल रहे, तलवार रहे। हम कहते हैं जैसा राम राज में हुआ वैसा ही हो, वो कहते हैं हंगामा होता है तो होने दो। इस मुल्क में है आवाजें दो, एक हमारी एक उनकी। ये हमें तय करना है कि हमें आवाज कौन सी सुननी है। हमें आवाज बाबा साहब अंबेडकर की सुननी है, जिन्होंने बात की शिक्षा की। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम अपना हक नहीं मांग सकते, रोजगार नहीं मांग सकते हैं। या आप बात करना चाहते हो जो भाजपा चाहती है, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में त्रिशूल और तलवार देना चाहती है। बाबा साहब अंबेडकर का रास्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनाया है। वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ में किताबें दे रहे हैं और भाजपा वाले त्रिशूल और तलवार दे रहे हैं। ये आपको तय करना है, आपको कौन सी आवाज सुननी है। अपने बच्चों को त्रिशूल और तलवार देनी है या किताबें देनी है, उन्हें साइंटिस्ट बनाना है, उन्हें डॉक्टर बनाना है। दिल्ली में एक बार जाके देखो क्या शानदार स्कूल बने, 5-स्टार होटल जैसे होते हैं वैसे स्कूल हैं। इस साल 2 लाख सरकारी स्कूल के अंदर एडमिशन हुए, प्राइवेट स्कूल को जो छोड़ के आए। हिंदुस्तान क्या है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अमीरों का एक गरीबों का, एक हम लोगों का एक अमीरों का। अमीरों के लिए अस्पताल अलग है, शिक्षा अलग है, हर चीज अलग है, और गरीबों के लिए अलग है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने काम किया सबको एक समान एक हक देने का। जो बड़े बड़े स्कूल वाले हैं, अस्पताल वाले हैं, वो डर रहे हैं और लड़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। और दिन ब दिन दिल्ली के अस्पताल जाके देखो, पहले डिस्पेंसरियां लगा करती थी,
आज वो भी 5-स्टार होटल बना दिए। आपका 1 लाख रुपए लगे या 1 करोड़ का इलाज हो, सारा इलाज दिल्ली में मुफ्त है, मुफ्त मुफ्त से बोलते हैं। अभी अशोक भाई एक प्रोग्राम में परसों लेके गए थे मयन के अंदर, वहां पे विधायक सिर्फ इसलिए बना दिया कि लड़कियों के लिए बस चलाया करता था कॉलेज जाने के लिए, सिर्फ इसलिए विधायक बना दिया। आपको बताना चाहता हूं अपनी माओं को, बहनों को, दिल्ली के अंदर कोई भी सरकारी संसाधन